वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय धंजू स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम थर्टी करेंगे जो कि इंटरनेट के सब्जेक्ट में से होंगे अगर आप यूजीसी नेट गेट कंप्यूटर ऑपरेटर टेक्निकल असिस्टेंट आईबीपीएस क्लर्क बैंक पीओ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा लेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन हु प्रोवाइड अस इंटरनेट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आई एस पी तो सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है एक्चुअल में आईएसपी की फुल फॉर्म भी कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ ली जाती है तो आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी इंटरनेट की सर्विस ऑफर करती है या आपको प्रोवाइड करती है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो जिस पीसी या लैपटॉप पे आप इंटरनेट यूज कर रहे हो वो आपको आईएसपी की हेल्प से मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट इज तो वो कौन सी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट द्वारा यूज की जाती है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टीसीपी आईपी अच्छा तो सबसे पहले आपको टीसीपी एंड आईपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल तो इंटरनेट चलाने के लिए हम कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं टीसीपी आईपी अच्छा इसमें से एक और क्वेश्चन है जो कि बार बार आता है और वो है कि टीसीपी की कितनी लेयर्स होती है तो टीसीपी में फोर लेयर्स होती हैं और इसके साथ साथ ओ मॉडल का क्वेश्चन भी आता है और ओ मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं तो यह भी आपको पता होनी चाहिए तो ओ में सेवन लेयर्स होती हैं तो टीसीपी में नेटवर्क लेयर इंटरनेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर होती है तो इसको याद रखने के लिए आपको एक हिंट देता हूं नीता एन आई टी ए नीता तो नीता एक लड़की का नाम है आपको यह याद रखना है आपको ऑटोमेटिकली इसकी सारी की सारी लेयर्स याद रहेंगी एन से नेटवर्क आई से इंटरनेट टी से ट्रांसपोर्ट एंड ए से एप्लीकेशन अच्छा कई बार एग्जाम्स में ओएसआई की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो ओ एस आई की फुल होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन तो ये भी आपको पता होनी चाहिए तो ये ओ एस आई की सेवन लेयर्स भी आपको याद होनी चाहिए बिकॉज इनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टॉप लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल कौन सी है तो उसका नाम होगा एप्लीकेशन से फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर थर्ड लेयर ऐसे सारी की सारी लेयर्स आपसे पूछी जा सकती हैं तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट जैसे मैंने याद किया मैं आपको बता देता हूं तो पी डी यहां से पी ए ऐसे याद कर सकते हो पी डी पी एंड यहां पे एन टी एस एन से नेटवर्क टी से ट्रांसपोर्ट एस से सेशन तो ऐसे आप हिंट से याद कर सकते हो तो फर्स्ट लेयर बनेगी पी से फिजिकल लेयर सेकंड डी से डेटा लेयर थर्ड एन से नेटवर्क लेयर टी से ट्रांसपोर्ट लेयर एस से सेशन लेयर एंड पी से अगेन प्रेजेंटेशन लेयर एंड ए इज एप्लीकेशन लेयर तो इस तरह से आप कोई भी शॉर्टकट्स बना के इन चीजों को याद कर सकते हो तो इन लेयर्स में से जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स कभी भी आज का काम आपने कल पे नहीं छोड़ना जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता सो so, अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट्स कॉल्ड अ तो वेबसाइट्स को चलाने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज होता है आप प्रोग्राम कह सकते हो या फिर सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर है वेबसाइट्स को चलाने के लिए यूज़ होता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्राउजर तो आप सबको पता है कि ब्राउजर की हेल्प से हम इंटरनेट यूज करते हैं तो ब्राउजर कौन कौन से होते हैं गूगल क्रोम मोजिला ओपेरा तो ये सारे क्या हैं ब्राउजर्स तो ब्राउजर में यहां पे आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखोगे तो वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो ब्राउजर क्या है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब से चलाने के लिए यूज होता है तो इसके साथ साथ आपको वेब पेज के बारे में पता होना चाहिए और वेबसाइट के बारे में भी पता होना चाहिए तो वेबसाइट क्या है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और एक वेब पेज क्या है हाइपर टेक्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट एंड डिस्प्ले टू यूज़र अ ब्राउज़र। तो जैसे वेबसाइट पे एक पेज जो आपको नजर आता है वो क्या है एक वेब पेज और उन्हीं वेब पेज जिसकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं वेबसाइट तो ये भी आपको पता होना चाहिए इनसे भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है तो ये देखिए जैसे ये एक वेबसाइट है और ये आपके सामने एक वेब पेज नजर आ रहा है जब आप यहां पे क्लिक करोगे यहां पे क्लिक करोगे यहां पे क्लिक करोगे तो इन सब पे अलग अलग वेब पेजेस आपको नजर आएंगे लेकिन ये कंप्लीट जो टोटल वेब पेजेस हैं, इनकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम वेबसाइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रॉडबैंड में इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ही फास्ट होती है तो आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं ब्रॉडबैंड तो इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी डायलप। तो इनमें से डायलप कनेक्शन जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है और बाकी सब ब्रॉडबैंड कनेक्शन है डायलप कनेक्शन की स्पीड बहुत ही स्लो होती है ये आजकल यूज नहीं होता पहले यही यूज हुआ करता था जब हम टेलीफोन लाइन की हेल्प से इंटरनेट चलाते थे लेकिन आजकल टेलीफोन कंपनीज भी हमें ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करती है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉग इन जब हम यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करके किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट से असेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं लॉग इन लॉग इन को हम साइन इन भी बोल देते हैं अच्छा ये आपको पता होना चाहिए कि साइन अप एंड लॉग इन या फिर साइन इन में क्या डिफरेंस होता है तो लॉग का मीनिंग होता है जब आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑलरेडी है मींस आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है और आपने सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करना है और अकाउंट को असेस करना है तो तब हम लॉग इन करते हैं और जब आप उस साइट पे रजिस्टर नहीं हो तो तब आप साइन अप करते हो मींस आप रजिस्टर करते हो या फिर अपना नया अकाउंट बनाते हो सो so दैट आप उस वेबसाइट पे अपना काम कर सको ये देखिए जैसे यहां पे लॉग इन तो लॉग इन में हम जैसे अपना ईमेल आईडी या फिर यूजर आईडी लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और लॉग इन कर लेंगे तो आप उस वेबसाइट पर एंटर हो जाओगे और अगर आप उस वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं हो या उस वेबसाइट का अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे साइन अप साइन अप का मीनिंग डोंट हैव एन अकाउंट आपके पास अकाउंट नहीं है उस वेबसाइट का तो आप साइन अप करोगे तो साइन अप के लिए आप ईमेल एड्रेस डालोगे पासवर्ड डालोगे कंफर्मेशन पासवर्ड डालोगे या जो भी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगेगी वेबसाइट आप उसको प्रोवाइड करोगे तो वो आपको एक लॉग इन आई प्रोवाइड कर देगा तो ये डिफरेंस होता है साइन अप एंड साइन इन या लॉग में नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम इज यूज फॉर सिक्योर हाइपर टेक्सड ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो हाइपर टेक्सड ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे आपको कौन सी स्कीम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एच टी टी पी एस तो ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपर टेक्सड ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एस फॉर सिक्योर तो एच पी एस प्रोटोकॉल जो है वो कॉम्बिनेशन होती है सिक्योर सॉकेट लेयर यानी एस एस एल एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टी एल एस प्रोटोकॉल तो टी एल एस जो है वो वाइडली यूज होती है ब्राउजर्स में या वेब सर्वर्स में किस पर्पज के लिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए तो ये भी आपको याद रखना होगा अच्छा एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस में क्या डिफरेंस है ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा जैसे यूजर कोई काम कर रहा है और उसने यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन टाइप की और ये इनसिक्योर कनेक्शन है और यहां से ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो है वो आगे ट्रांसमिट होगी तो जो भी इंफॉर्मेशन यहां पे डाली थी वो सेम एज इट इज यहां पे शो हो रही है और यहां पे अगर कोई हैकर बैठा है तो वो यहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है तो एच में ये नॉर्मली इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर नहीं होती और अगर हम एच की बात करें तो ये यूजर ने जब ये इंफॉर्मेशन एंटर की तो यहां से जब ये इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट होगी तो यहां पे एक एनक्रिप्टेड कनेक्शन होगा मींस यहां पे इस इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में आगे ट्रांसमिट किया जाएगा अगर यहां से कोई भी हैकर इस इंफॉर्मेशन को लेगा भी तो वो इस इंफॉर्मेशन का यूज किसी भी पर्पस के लिए नहीं कर पाएगा बिकॉज ये इंफॉर्मेशन एज इट इज शो नहीं हो रही कोडेड फॉर्म में है तो इस इंफॉर्मेशन को यहां पे अगेन डी किया जाएगा और इस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे सिक्योर तो एस हमें सिक्योर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो आई थिंक अब आपको एच टी टीपी एंड एच टी टीपीएस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन टू असेस अ वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड अगर आप किसी भी वेबसाइट को असेस कर रहे हो तो हमें इनमें से कौन सी चीज रिक्वायर्ड नहीं होती तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डेटा केबल तो वेबसाइट को चलाने के लिए हमें ब्राउजर तो चाहिए जिसमें हमने वेबसाइट का एड्रेस डालना है और इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए तो इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए और इंटरनेट डिवाइस जैसे कोई भी मॉडर्न हो गया या राउटर हो गया तो वो भी हमें चाहिए होता है लेकिन डाटा केबल हमें नहीं चाहिए होती तो डाटा केबल तो हम नॉर्मली मोबाइल से लैपटॉप या लैपटॉप से मोबाइल पे इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज करते हैं तो डेटा केबल की रिक्वायरमेंट हमें वेबसाइट को चलाने के लिए नहीं होती नेक्स्ट क्वेश्चन द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज नोन एज तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यू आर एल वेबसाइट के एड्रेस को हम यू आर एल भी बोलते हैं तो ये देखिए जब हमने किसी भी वेबसाइट को असेस करना होता है तो हम ब्राउजर के एड्रेस बार में उस वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं यू आर एल तो यू आर एल की होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो आपको याद रखना होगा कि यू आर एल की क्या होती है क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जा चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज इनमें से कौन सी वेबसाइट की एक्सटेंशन नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम डी बी तो वेबसाइट की एक्सटेंशन डॉट एस टी एम एल हो सकती है डॉट ए एस पी एक्स हो सकती है लेकिन एम डी बी नहीं होती नेक्स्ट क्वेश्चन अ लोकल और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएटेड फॉर प्राइवेट नेटवर्क इज नोन एज तो लोकल नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंट्रानेट तो इंटरनेट क्या है एक प्राइवेट नेटवर्क जो कि एंप्लॉयज यूज करते हैं अलग अलग में। तो इंटरनेट की सर्विसेज़ में माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट हर्डल इग्लू एंड जॉस्टल वगैरह आते हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ये वाली सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो जनरली इंट्रानेट कंपनीज तब यूज करती हैं जब वो आउटसाइड एनवायरमेंट के साथ डील नहीं करती और सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज भी ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं जैसे ये देखिए एक कंपनी है और कंपनी में सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं सर्वर्स की हेल्प से लेकिन ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो ये देखिए इंटरनेट क्या हो गया एक छोटा सा नेटवर्क जो कि प्राइवेट एम्प्लॉयज ही यूज कर रहे हैं उसके बाद है एक्स्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट में जब आप कस्टमर्स या सप्लायर्स के साथ और जब आप होल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं इंटरनेट तो इंटरनेट पब्लिकली हर पर्सन यूज कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द टैग्स कीवर्ड्स यूज्ड इन एच टी एम एल आर रिटर्न इन साइड तो इनमें से कौन सी ब्रैकेट्स या ब्रेसिस हैं जो कि एच टी एम एल में यूज होती हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेटर देन एंड लेसर देन साइन तो सबसे पहले हम एस टी एम एल की फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं तो एस टी एम एल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो कई बार यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो हाइपर टेक्स्ट एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है किसके लिए वेब पेजेस बनाने के लिए तो एच डीएमएल की हेल्प से आप सिंपल वेबसाइट बना सकते हो एच टीएमएल इंट्रोड्यूस कब हुआ था तो यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसे किस पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था तो उसका नाम था टिम बर्नर्स ली तो यह क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए अच्छा अब बात हुई थी कि एस के टैग्स या की किस में लिखे जाते हैं तो ये देखिए लेसर देन एंड ग्रेटर देन के साइन जो आपको नजर आ रहे हैं इनकी हेल्प से हम एचटीएमएल एम एल टैग्स या की लिखते हैं तो ये देखिए ये की वर्ड के स्टार्ट एंड एंड में आपको ये साइन नजर आ रहे हैं तो सारे के सारे टैग्स इन्हीं सिंबल्स के इन बिटवीन आएंगे नेक्स्ट है नेम ऑफ सिक्योर वेब ब्राउजर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टॉर ओ आर वैसे तो आजकल इंटरनेट एक्सप्लोरर मोजिला या गूगल क्रोम ये भी सिक्योर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ये टॉर नाम का ब्राउजर जो है वो थोड़ा इनसे सिक्योर है टॉर का मीनिंग क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए तो टॉर का मीनिंग क्या हुआ द अनियन राउटर तो वेब ब्राउजर में अगर आप सर्फिंग कर रहे हो तो प्रोटेक्शन के लिए आप टॉर वेब ब्राउजर यूज कर सकते हो तो ये देखिए जैसे यहां पे एक क्लाइंट है जो कि इंटरनेट चला रहा है तो ये एक प्रोटेक्शन गार्ड ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है ये एक प्रोटेक्शन गार्ड है जिसकी हेल्प से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है टॉर नेटवर्क में और उसके बाद ये देखिए रेड लाइन जब आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करोगे तो डाटा जो है वो एनक्रिप्टेड नहीं रहेगा सिक्योर नहीं रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पैम तो ईमेल्स में एक स्पैम नाम का फोल्डर होता है तो ये स्पैम नाम का फोल्डर वो ईमेल्स कलेक्ट करता है जो कि एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए हो या फिर जंक मेल हो तो जनरली कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो मेल्स भेजती हैं वो इस स्पैम में जाती हैं जिन्हें हम जंक मेल्स भी बोलते हैं तो आप बोल सकते हो कि अनसोलिसिटेड मैसेजेस या अनसोलिसिटेड ई जो कि बल्क में भेजी जाती हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के द्वारा तो उन्हें हम जंक मेल्स या स्पैम मेल्स बोलते हैं तो ये यह यहां पे लिखा भी हुआ है कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो भी मेल सेंड की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं जंक मेल्स तो कभी कभी ये मेल्स हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट भी कर सकती हैं डिपेंड करता है कि उसे कौन भेज रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन एडोब रीडर फ्लैश प्लेयर क्विक टाइम प्लेयर आर एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लग इन तो ये जो प्लग होते हैं ये कहां पे यूज होते हैं तो ब्राउज़र्स में हमें प्लग को यूज करते हैं तो प्लग को हम एड ऑन भी बोल देते हैं तो ये ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ फीचर्स ऐड किए जाते हैं जिन्हें हम प्लग बोलते हैं जैसे वीडियोज को प्ले करना या पी फाइल को देखना तो इस तरह के जो प्लग होते हैं वो ब्राउजर में एड ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द यूजेज ऑफ इंटरनेट तो इंटरनेट के यूज कौन कौन से हैं तो इंटरनेट हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल मीन्स इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए हेल्पफुल है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट भी करता है तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अब नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट नेट डोमेन इज यूज फॉर तो काफी सारे डोमेन्स हैं और उनमें से डॉट नेट डोमेन जो है वो किस परपज के लिए यूज होता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स तो ये देखिए ये डोमेन नेम्स की लिस्ट है कौन सा डोमेन किस पर्पज के लिए यूज होता है वो यहां पे मेंशन है तो डॉट कॉम जो है वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज होता है बिजनेसमैन इसे यूज करते हैं डॉट ई डी यू जो है वो एजुकेशन पर्पज के लिए यूज होता है नॉर्मली कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इसे यूज करते हैं डॉट जी ओ वी गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं डॉट आई एन टी तो ये इंटरनेशनल पर्पज के लिए यूज़ होता है इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह जहां पे आती हैं डॉट एम आई एल मिलिट्री के लिए यूज होता है डॉट नेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर्स, नेटवर्क नोड कंप्यूटर्स और जो ऑप्शन मैंने अभी अभी आपको बताई इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए उसके बाद है डॉट ओ आर जी तो ओ आर जी अलग अलग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो हैं वो यूज करती हैं तो ये सारी आप याद कर लीजिए बिकॉज इनमें से ये सारे के सारे एक एक क्वेश्चन का रूप लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ ईमेल आर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अब तो ईमेल जब आप सेंड करते हो तो इसकी स्पीड जो है वो आपको पता ही है कि बहुत फास्ट है विद इन सेकेंड्स ई मेल यहां से अगर आप इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में भेजते हो तो वहां पे पहुंच जाती है अगर आप कॉस्ट की बात करो तो कॉस्ट कुछ भी नहीं है बिकॉज आप सिंपली आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जो आप नॉर्मली यूज करते हो तो आप ई सेंड कर सकते हो तो ई एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी है जिसमें सारे के सारे मैसेजेस या ईमेल्स स्टोर रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आईपी एड्रेस इज अ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑफ अब तो ये दोनों ऑप्शंस ट्रू हैं इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिए बाइनरी नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज कंप्यूटर्स जो नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर्स को नेटवर्क पे तो उसे हम क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस एंड आल्सो आइडेंटिफाइज अदर डिवाइसेस ऑन टीसीपीआई और बाकी जितने भी नेटवर्क पे डिवाइसेस होते हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करता है आइडेंटिफिकेशन देता है तो आईपी एड्रेस क्या हो गया यूनिक एड्रेस ऑफ ए पी सी ऑन नेटवर्क या फिर इंटरनेट तो आईपी पी किसलिए स्टैंड करता है आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल अभी अभी हम टी सी में भी इसे डिस्कस कर चुके हैं तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में इंटरनेट के थ्रू सेंड करते हैं तो आईपी पी दो तरह के होते हैं आई फोर एंड आई सिक्स तो वी फोर की एक एग्जाम्पल आपको दी गई है अच्छा आई फोर एंड आई सिक्स के बारे में काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है आई फोर जो है वो थर्टी टू बिट आईपी एड्रेस है और आई सिक्स जो है वो वन ट्वेंटी एट बिट आईपी एड्रेस है तो ये दोनों क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं उसके बाद है आई फोर जो है वो फोर पॉइंट बिलियन एड्रेसेस को सपोर्ट कर रहा है और ये सेवन पॉइंट नाइन इंटू टेन एड्रेसेस को उसके बाद ये एक एड्रेस है और ये जो आपको नजर आ रहा है ये आईपीवी सिक्स एड्रेस है तो आईपीवी फोर एंड आईपीवी सिक्स के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो ये नाइनटीन एटी वन में आईपीवी फोर आया था और 1998 में IPv6 सिक्स आया था ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है डिजाइनर्स ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइंड एन आईपी एड्रेस एज तो कितने बिट्स का होता है तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये होता है थर्टी टू बिट्स तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन कुकीज आर सेव्ड इन तो कुकीज जो होती हैं कुछ टेंरी फाइल्स या एडिशनल फाइल्स हैं जो प्रोग्राम्स को चलाने के लिए यूज होती हैं तो ये कहां पे सेव होती हैं जिस कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हो तो उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं क्लाइंट साइड तो ये कहां पे स्टोर होती हैं क्लाइंट साइड पे तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्लाइंट साइड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजली कैटेगराइज एज वो मीडिया जिससे आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गाइडेड और अनगाइडेड तो ट्रांसमिशन मीडिया को मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है गाइडेड एंड अनगाइडेड तो अनगाइडेड में आता है रेडियोवेवस माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड तो ये अनगाइडेड मीडिया जो है वो वायरलेस है और अगर आप वायर्ड की बात करो तो वो होता है गाइडेड मीडिया तो ये हो गया वायर्ड तो में आती है कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक्स एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स आगे कोएक्सियल ब्रॉडबैंड एंड बेसबैंड में डिवाइडेड है और ट्विस्टेड पेयर जो है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में डिवाइडेड है तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को हम यू टी पी बोलते हैं और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को हम एस टी पी बोलते हैं तो ये फुल फॉर्म्स भी आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है अच्छा यूटीपी की बात काफी बार आई है तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि एस टी पी जो है यह है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और यूटीपी जो है वो है अनशील्डेड

तो उन केबल्स में जो कनेक्टर यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आरजे फोर्टी फाइव कनेक्टर तो ये देखिए ये है कनेक्टर। तो आपने ये देखा होगा। तो इंटरनेट चलाने के लिए हम जब कैट फाइव या कैट सिक्स केबल यूज करते हैं तो ये वाले कनेक्टर्स भी यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी यू टी पी केबल ऑफर्स डेटा रेट्स टू तो ये जो अनट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं इनमें डेटा कितनी स्पीड से ट्रांसमिट हो सकता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 100 एम की स्पीड से इन केबल्स में से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनगाइडेड मीडियम इनमें से कौन सा अनगाइडेड मींस वायरलेस मीडियम नहीं है तो ये देखिए रेडियो वेव जो है वो वायरलेस है माइक्रोवेव जो है वो भी वायरलेस है और इंफ्रारेड वेव जो है वो भी वायरलेस है तो इनमें से कौन सा वायरलेस नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिक ये एक वायर्ड मीडियम है नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं ये ट्रांसमिशन मोड्स या फिर कम्युनिकेशन मोड से रिलेटेड है तो कम्युनिकेशन मोड से रिलेटेड मैं पहले भी एक वीडियो पब्लिश कर चुका हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप स्टूडेंट सक्सेस चैनल प्लस ट्रांसमिशन मोड्स या कम्युनिकेशन मोड्स लिखोगे और सर्च करोगे तो आपके सामने वो वीडियो भी आ जाएगी तो आप उस वीडियो को देख लीजिए आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसमें मैंने ट्रांसमिशन मोड को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन विच मोड द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंप्लेक्स मोड तो ये देखिए जैसे एक पीसी से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है दूसरे पीसी तक तो एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है इधर से इधर को डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता तो ये है सिंप्लेक्स मोड अच्छा मैं आपको कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मोड के बारे में आपको बता देता हूं ट्रांसमिशन मोड तीन तरह के होते हैं सिंप्लेक्स या सिंपल मोड हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड अगर डेटा दो डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन अलग अलग टाइम पे तो उसे हम क्या बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड और अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है बोथ डायरेक्शंस में लेकिन एट द सेम टाइम तो उसे हम क्या बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड अब आगे वाले क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाओगे बिकॉज आपको सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स के बारे में पता चल गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन टेलीफोन कम्स अंडर विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो टेलीफोन में कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होती है तो एट द सेम टाइम जो वॉइस है वो ट्रांसमिट हो रही होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे फुल डुप्लेक्स तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन च इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स तो इनमें से हाफ डुप्लेक्स कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉकी टॉकी तो वॉकी टॉकी में क्या होता है जब एक पर्सन बात करता है तो दूसरा सुन रहा होता है और जब दूसरा बात करता है तो पहले वाला सुन रहा होता तो एट द सेम टाइम डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मॉनिटर एंड कीबोर्ड कम्स अंडर विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉनिटर से सिर्फ आप आउटपुट लेते हो और कीबोर्ड से आप सिर्फ इनपुट देते हो लेकिन डाटा बोथ डायरेक्शन में ट्रांसमिट नहीं होता तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंप्लेक्स बिकॉज डाटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन विच मोड इज अ यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शन डायरेक्शन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिंप्लेक्स बिकॉज एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट इसी मोड से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच केबल्स आर वेरी चीप एंड इजी टू इंस्टॉल बट दे आर बैडली इफेक्टेड बाय नॉइस इंटरफ्रेंस कौन सी केबल्स हैं जो कि सस्ती होती हैं और इजिली इंस्टॉल हो जाती हैं लेकिन उनमें नॉइस की डिस्टर्बेंस आती है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स में एक्स्ट्रा शील्ड यहां पर नहीं होती जैसे ये शिल्डिड ट्विस्टेड पेयर में है तो इसलिए इसकी नॉइस में डिस्टर्बेंस आती है तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स मैंने पढ़े और उन्होंने मुझे पूछा था कि ट्रिपल सी के लिए यानी कौन सी बुक बेस्ट है तो मैंने काफी बुक्स देखी लेकिन उनमें से मुझे यह बुक अच्छी लगी क्योंकि इसमें लेटेस्ट सिलेबस अवेलेबल था और सबसे बड़ी बात यह बुक इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में available है। ये all over India अवेलेबल है और इस बुक को आर आर पब्लिकेशन ने लॉन्च किया है यह बुक आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो जिसका लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसमें ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस कवर हुआ है और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने यह डिजाइन किया है जो स्टूडेंट्स बिगनर्स है उनके लिए यह बुक बहुत ही अच्छी है बिकॉज स्टार्ट से लेके एंड तक इसमें ईच एंड एवरीथिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर की गई है इसमें थ्योरी के अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड ट्रू फॉल्स भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय दंजू चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके थैंक यू फॉर वॉचिंग